दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गूगल पे से सेल्फ ट्रांसफ़र कैसे कर सकता है। सेल्फ ट्रांसफ़र का मतलब है कि होता है कि हमारे बैंक अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है और आप चाहते हैं कि एक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं गूगल पे के माध्यम से, तो ये ट्रांसफ़र आप कैसे कर सकते हैं उसके पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हो, तो कृपया करके पूरी वीडियो को जरूर देखें। तो मेरा नाम है मिथुन, आप देख रहे हैं डिजिटल मिथुन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल मिथुन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों गूगल पे से सेल्फ ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो भी आईडी फेस आईडी पिन से है उससे सबसे पहले आप लॉगिन कर लीजिए। तो देख सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट है लॉगिन हो गया है। उसके बाद आप अगर आपके अकाउंट से आपके दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा मतलब ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी बैंक है वो बैंक आपको ऐड कर लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको इधर प्रोफाइल की जो पिक्चर देख रहे हो उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके बैंक अकाउंट का जो ऑप्शन है पेमेंट मेथड्स उस पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी बैंक अकाउंट से आपके वो सारे बैंक अकाउंट को सबसे पहले आप ऐड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको जो भी बैंक अकाउंट में पैसा भेजना है वो बैंक अकाउंट नंबर ऐड कर लीजिए। उसके बाद जो भी बैंक अकाउंट से आपको पैसा भेजना है वो भी बैंक अकाउंट नंबर आप जो है इधर ऐड कर लीजिए। तो मैं देख सकते कि इधर मेरा टोटल 4 बैंक अकाउंट ऐड है लेकिन 3 ऑलरेडी जो है रेडी हो गया है और एक का कुछ प्रॉब्लम आया है। तो हमारे इस चारों बैंक अकाउंट हमारा ही है तो हम एक दूसरे अकाउंट से दूसरे के हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे पैसा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बैक करना है। बैक करने के बाद आपको इधर न्यू पेमेंट का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं सेल्फ ट्रांसफ़र, ये एक नया ऑप्शन आया है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी बैंक अकाउंट नंबर है सारे बैंक अकाउंट नंबर आपको इधर दिख जाएगा जो भी आपने ऐड करके रखा है। तो अभी तक आप अगर नहीं जानते कि गूगल पे के अकाउंट में बैंक अकाउंट नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं इसके बारे में कंप्लीट वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को देख के सबसे पहले आपके गूगल पे के अकाउंट में बैंक अकाउंट नंबर ऐड कर लीजिए। जैसे मुझे एक्सिस बैंक से सबसे पहले आपको इधर सिलेक्ट करना है सिलेक्ट बैंक अकाउंट टू ट्रांसफ़र फ्रॉम, यानी कि इसमें से आपको बैंक अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना है कि कौन से बैंक से आपको पैसा भेजना है। ठीक है, तो मुझे जैसे एक्सिस बैंक से पैसा भेजना है उसके बाद आपको बता रहे सिलेक्ट बैंक अकाउंट टू ट्रांसफर टू, यानी कि कौन से बैंक अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हैं। तो मैं स्टेट बैंक सिलेक्ट करेंगे, स्टेट बैंक में हमें पैसा भेजना है। तो इधर आप कंफर्म करना है कि हमारे एक्सिस बैंक के अकाउंट से स्टेट बैंक के अकाउंट में पैसा भेजेंगे हम। उसके बाद हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इधर आपको जो है अमाउंट डालना है कितना रुपये आप भेजना चाहते हैं। जैसे मैं 5000 डालता हूँ। उसके बाद आपको नोट में कुछ लिखते हैं सेल्फ ट्रांसफ़र, उसके बाद आपको इधर डन कर देना है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक्सिस बैंक ट्रांसफ़र फॉर्म्स इधर एक्सिस बैंक सिलेक्ट है और स्टेट बैंक में जो है हमारा पैसा आने वाला है। उसके बाद आपको ट्रांसफ़र नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो UPI पिन है एक्सिस बैंक का जो भी आपने लिंक करके रखा है उसका UPI पिन डाल के आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा ट्रांजेक्शन जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा है और कुछ ही समय में हमारे एक्सिस बैंक के अकाउंट से हमारे स्टेट बैंक में पैसा आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो है ट्रांसफ़र हमारा हो गया और इधर हमें जो है एक रिसिप्ट नंबर और सारे डिटेल जो है हमें दे दिया गया है। तो आप इस तरह से आपके गूगल पे के अकाउंट से आपके एक दूसरे अकाउंट से मतलब पैसा जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाले समय में और भी नए नए ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल मिथुन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।